Guys, welcome back to my channel. So, आज का video is entirely dedicated to this topic, just skin talks, जहाँ पे हम कुछ basics और मतलब skin के basics की बात करेंगे. मैंने पहले भी कुछ ऐसे topic कर रखे थे, अभी मैंने थोड़ा सा लंबे time बात किया है. So, you can click on this eye button. Now, जैसे हमारी skin भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, अलग अलग type की होती है, वैसे हमारे skin concerns भी होते हैं. और वो हमारे स्किन कंसर्न ना हमको अलग तरीके से परेशान कर सकते हैं. जैसे मेरे केस में इट हैज़ टू बी एक्ने. इट इज़ बिन विद मी सिंस लाइक आई डोंट रिमेंबर, सिंस फॉरएवर. और एक्ने ऐसी चीज़ होती है ना, इतनी ज़िद्दी होती है कि आसानी से जाती नहीं है, स्टबन होता है. और एक्ने की अगर मैं बात करूँ तो उसका बेसिक, क्योंकि दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट, तो फाउंडेशन उसका क्या है एक्ने का. हमारे स्किन पे ना पोर्स होते हैं, उनमें ऑयल, डर्ट, ग्राइम, और जब भी उसकी क्लीनिंग अच्छे से नहीं होती है ना, इट कैन लीड टू वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स एंड पिम्पल. और अगर मैं पिम्पल या फिर एक्ने की इन जनरल बात करूँ ना, तो ये एक ऐसा कॉमन इशू है, स्पेशली अमंग टीनेजर्स. मतलब वो होता ही है. आज भी अगर मैं मेरे टीनेज को याद करती हूँ ना, तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, बिकॉज मेरा कॉन्स्टेंट बैटल चलता था एक्ने से. बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी मैं, और हमेशा डील करना पड़ता था नो मैटर हाउ यू ड्रेस अप. लेकिन आपका वो कॉन्फिडेंस कम हो ही जाता है. इट इज़ समथिंग ऑब्वियस, वो हमारे साथ में होता ही है, हम इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हैं. बट एक जो चीज़ जो मेरे टीनेज ईयर्स में भी मेरे साथ थी, एंड इज़ विद मी बाय माय साइड इवन टुडे, एंड इट्स क्लीन एंड क्लियर फोमिंग फेस वॉश. मतलब इसको यूज़ करने के बाद में आई कैन से दैट कि मुझे पिंपल ने उतना अफेक्ट किया ही नहीं, उतना बॉदर किया नहीं, बिकॉज मैं सोचती हूँ कि यार पिंपल ही तो है एंड क्लीन एंड क्लियर भी तो है. दिस इज़ हाउ इट इज़ पैकेज्ड. इसमें आपको 4 साइज वेरियंट्स मिल जाएंगे. छोटू वाला है ना, उसका प्राइस है 50 ml का 75 rupees. और उससे तो मुझे नॉस्टैल्जिया हो जाता है, क्योंकि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, तब भी आई टॉक्ड अबाउट दिस फेस वॉश. मतलब टीनेज के बाद में भी, टीनेज खत्म हो गया, लेकिन ये फेस वॉश यूज़ करना नहीं. और इवन आज भी मैं यूज़ करती हूँ, और इजिली पर्स में भी आ जाता है, स्पेशली वो छोटू वाली बॉटल. ये क्या करता है, जो पिंपल कॉजिंग जर्म्स होते हैं ना, उनको 99% तक क्लीन करता है और पिंपल की टेक केयर करता है. इसको यूज़ करने के बाद में आई टेल यू, एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होता है टू गो ऑन विद माई डे. एंड ऑल्सो इट्स फोमी लगा भी करता है. और इसमें कुछ ऐसे इंग्रीडियंट्स हैं जो कि कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स जो होती है ना, उनको प्रिवेंट करते हैं. इसका एक एप्लीकेशन इनफ होता है आपकी स्किन को फ्रेश, क्लियर और यू नो हैप्पी, यू नो स्किन नहीं बोलते, जैसे आजकल सेल्फी रेडी स्किन हमको चाहिए होती है आजकल के टाइम में, बिल्कुल वैसा. और ये सिर्फ मैंने बोली, 98% टीन्स ने भी ना यही देखा है कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर, फ्रेश, हैप्पी फील होती है. इसका फॉर्मुलेशन बहुत ज़्यादा माइल्ड है, तो मतलब सेफ भी है यूज़ करना. लेकिन जो क्लॉक्ड पोर्स होते हैं ना, उनकी तो ऐसे डीपली क्लीनिंग करता है, आपके फेस पे ऑयल को कंट्रोल करके रखता है, जिससे आपको आगे पिंपल की शिकायत, प्रॉब्लम नहीं होती है. मैंने इसका प्राइस देख रही थी, बट इट इज़ अफोर्डेबल एज मेंशन. तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लो एंड कीप इट सिंपल, इट्स जस्ट अ पिंपल. इसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो यू कैन चेक इट आउट. और व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, मतलब आपको लेना चाहिए. और बिकॉज आई लव यू सो मच, तो आई हैव अ डिस्काउंट कोड फॉर यू, जो आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है. और इसकी वैलिडिटी वगैरह चेक कर लेना क्या है कब तक. एंड ऑल्सो सारी डिटेल्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो डू चेक इट आउट. एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन, खुद से प्यार करिए, मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइए कि क्लीन एंड क्लियर ने कैसे आपको एक ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन बनाया है. आई बी वेटिंग, तो जरूर 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 बताइए. और ये भी याद रखिए, आई लव यू ऑल सो मच.